हेलो गाइस मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं जी क्रिएटर और आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं माया में कुछ स्क्रिप्ट्स जो कि मैं रोज़मर्रा के काम के लिए इस्तेमाल करता हूं तो चलिए देखते हैं पहली चीज़ आप यहां पर नोटिस कर सकते हो कि यहां पर मैं मेरा कुछ शेल्फ़ है जिसके आप देख सकते हो यहाँ पर कुमार लिखा हुआ है तो कैसे आप अपना शेल्फ़ बना सकते हो खुद का अपने नाम का या किसी भी नाम का तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सेटिंग्स जैसा ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ न्यू शेल्फ़ पे फिर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जी क्रिएटर ठीक है तो यहाँ पर मैंने जी क्रिएटर नाम दिया और फिर मैंने ओके OK प्रेस किया आप देख सकते हो यहाँ पर जी क्रिएटर का ऑप्शन है ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे मैंने ऑप्शंस लिए हुए जैसे यू वी एडिटर है कट टूल है फिर ट्रांसफर एट्रीब्यूट सॉफ्टनेच रिवर्स ऐसे वगैरह और कुछ मेरे स्क्रिप्ट्स भी है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो पहले हम देखेंगे कि कैसे हम शॉर्टकट यहाँ पर बना सकते हैं ठीक है तो मैं जी क्रिएटर पर आता हूँ देख सकते हो कि यहाँ पर सब कुछ खाली है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ज़्यादातर डिलीट हिस्ट्री ज़्यादातर लगता है तो एडिट आप यहाँ पर आते हो डिलीट बाई टाइप अब समझ लीजिए आप कुछ बना रहे हो मॉडलिंग में समझ लीजिए आपने ये मॉडल बनाया फिर यहाँ पर बहुत सारे हिस्ट्री होते हैं और बार बार आप यहाँ पे एडिट में फिर डिलीट बाई टाइप एंड देन हिस्ट्री या फिर ए प्रेस करके यहाँ पर डिलीट कर सकते हो जो कि शॉर्टकट है लेकिन अगर आपको आपके शेल्फ़ पर भी चाहिए तो एडिट में डिलीट बाय टाइप और कुछ भी अगर आपको ऑप्शन चाहिए इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको चाहिए फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए अभी डिलीट बाय हिस्ट्री तो मैं अपने कीबोर्ड पर प्रेस करूंगा कंट्रोल और शिफ्ट और मैं सिर्फ इस हिस्ट्री पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कि हिस्ट्री का जो है ऑप्शन आया हुआ है ठीक थी, है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत सारे चीज़ यूज़ करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल है सो so, होता है कि डिस्प्ले शो ऑल तो यहाँ पर होता है डिस्प्ले शो और फिर ऑल आप देख सकते हो समझ लीजिए कुछ हाइड है यहाँ पे कंट्रोल एच में प्रेस करता हूँ ठीक है और मुझे ऑल करना है तो फिर से डिस्प्ले शो एंड देन ऑल तो यहाँ पर जितना भी हमने हाइड किया वो सारा सब कुछ दिखता है तो ये काफ़ी ऑप्शन जो है मुझे यूज़फुल होता है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो डिस्प्ले शो uh, यहाँ पर है शो और फिर सॉरी शो फिर ऑल कंट्रोल शिफ्ट में प्रेस करता हूँ और फिर इस ऑल पे क्लिक करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर यह ऑप्शन देता है फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे uh, कर सकते हो जैसे कंबाइन है कुछ भी आप कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है आप कौन कौन से भी ऑप्शन में आकर आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आप जो जो चीज़ आपको लगता है आप यहाँ पर ले सकते हो आपके शेल्फ़ में तो नेक्स्ट चीज़ आते हैं कि इसको हम निकालें कैसे तो काफ़ी सिंपल है इस पर आइए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट ठीक है आ, कुछ प्रीवियस uh, वर्जन में यहाँ पर डिलीट ऑप्शन है तो आपको क्लिक और ड्रैग करके उसको डिलीट ऑप्शन पर लेके जाना पड़ता है शायद से यहाँ पर नहीं है तो ये सिंपल है राइट क्लिक कीजिए और डिलीट ठीक है तो मुझे जो जो चीज़ नहीं चाहिए जो कि मैं uh, नहीं चाहिए वो उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ तो राइट क्लिक डिलीट राइट क्लिक डिलीट राइट क्लिक डिलीट राइट क्लिक डिलीट तो मान लीजिए आपको डिलीट हिस्ट्री ऑल और मान लीजिए आपको कम्बाइन ज़्यादातर यूज़ होता है तो आप यहाँ पर रख सकते हो फॉर एक्जाम्पल मैश कम्बाइन में यहाँ पर रखता हूँ तो आपको इस आइकन से पता चलेगा कि ये मैच जो है कंबाइन uh, के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और एक एक्सपियर ले लेता हूँ यहाँ पे ठीक है इसको मैं साइड कर देता हूँ इसको सिलेक्ट कर लिया एंड देन अपने जी क्रिएटर पर और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये दो मॉडल जो है कंबाइन हो गए हैं ठीक है ठीके? तो आपको पता चल गया है कि कैसे हम बना सकते हैं और यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये जी क्रिएटर आपको हटाना है यानी इस शेल्फ में आपको नहीं चाहिए जी क्रिएटर तो आपको इस सेटिंग पर आना है शेल्फ एडिटर पर क्लिक करना है ठीक है और फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा जी क्रिएटर और ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट ऑप्शन ठीक है तो इसके शेल्फ के कंटेंट्स भी है अगर आपको सिर्फ कंटेंट्स डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो लेकिन मुझे पूरे का पूरा शेल्फ ही डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर आके सेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर पूछ पूछता है कि आर यू श्योर ओके तो वहाँ से जो है शेल्फ डिलीट हो जाता है आप इसको क्लोज़ कर सकते हो और देख सकते हो यहाँ पर वो जी क्रिएटर का शेल्फ है वो चले गया है यहाँ पर सो अभी ये जो कुमार नाम का शेल्फ है तो इसमें भी है ऑल है हिस्ट्री डिलीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं ए प्रेस करके ही इसको मैं हिस्ट्री डिलीट करता हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं रखा हूँ यहाँ पे सीपी है जाकि ताकि सेंटर पेवेट रहे ठीक है और कुछ सारे हैं और मैं यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ वो है स्क्रिप्ट्स तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सिलेंडर्स है ठीक है आप देख सकते हो पॉलीमैच थ्री और इसको आपको रीनेम करना है बहुत जल्दी से तो यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है क्यू आर मैंने इसको शॉर्टकट नाम दिया है मेरे समझने के लिए तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर आ जाता है क्विक रीनेम टूल तो मान लीजिए ये एक नट बोल्ट है और हमें इसको रीनेम देना है नट बोल्ट तो समझ लीजिए नट बोल्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस इस तरीके से तो अगर हम ट्रेडिशनली जाए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हर एक को सिलेक्ट करके लिखता हूँ कि ये नट बोल्ट है तो ये एन यू टी नट बोल्ट वग़ैरह वगैरह इस तरीके से तो काफ़ी वर्क जाएगा राइट तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर ठीक है और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल नट बोल्ट एन यू टी बी ओ एल टी ठीक है और मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ ताकि मुझे अंडरस्कोप मिले और मैं यहाँ पर रीनेम एन नंबर कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो नट बोल्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरीके से मेरे को जो है रीनेमिंग बहुत ही जल्दी मुझे मिल गया यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव है ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ से एन निकलेगा ठीक है जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ठीक है अगर मैं लास्ट कैरेक्टर करता हूँ तो वन टू थ्री में से ये जो लास्ट नंबर्स है ये निकलेंगे ठीक है तो इस तरीके से होता है मैं आप यहाँ पे फिर से रीनेम एंड नंबर कर देता हूँ ताकि वो फिर से आ जाए नट बोल्ट का यहाँ पर आप हैश रीनेम कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल सबको पकड़ के एंड देन आप यहाँ पर नेम डाल सकते हो और फिर सफ़िक्स डाल सकते हो मैं क्या करता हूँ पहले जैसे सफिक्स डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रिफिक्स क्या होता है मैं आपको बिफ़ोर बताता हूँ ये बिफ़ोर और आफ्टर है प्रिफिक्स Pre, uh, क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पहले नाम पे पहले कुछ चाहिए फॉर एग्जाम्पल मॉडल है तो एम ओ डी ई एल मॉडल और जैसे आप देख सकते हो अंडरस्कोप है यहाँ पर ऐड करोगे तो आपको मॉडल अंडरस्कोप नट बोल्ट जीरो वन आएगा ठीक है और सफिक्स में समझ लीजिए आपको जियो चाहिए क्योंकि ये ज्योमेट्री है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अंडरस्कोप जियो वैसे तो यहाँ पर भी है आप, आप सिलेक्ट कर, कर भी सकते हो और यहाँ पर आप कर सकते हो ऐड तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल नट बोल्ट जीरो वन जियो आप यहाँ पर भी कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत आपके पास बहुत सारे ग्रुप है ठीक है इसके भी ग्रुप है और मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ इसको भी डुप्लीकेट 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 बहुत सारे को डुप्लीकेट करता हूँ फॉर एग्जांपल इस ग्रुप को भी मैं री कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल नट बोल्ट आप देख सकते हो और फिर मैं यहाँ पर ग्रुप कर सकता हूँ तो नट बोल्ट जीरो वन ग्रुप नट बोल्ट जीरो टू ग्रुप इस तरीके से मैं काफ़ी सारा जो है यहाँ पर रीनेमिंग कर सकता हूँ ग्रुप को भी मैं यहाँ पर रीनेमिंग कर सकता हूँ सो so, यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे आप देख सकते हो सर्च में पेस्टेड लिखा हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्च uh, करना है फॉर एग्जाम्पल नट बोल्ट सर्च करना है एन यू टी बी ओ एल टी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये ध्यान रखना है नाम प्रॉपर है तो यहाँ पर हरायकी आप देख सकते हो मैं सिलेक्टेड हूँ और फिर मैं इस, इस नट बोल्ट को मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेंडर सी वाई एल आई एन डी ई आर फॉर एग्जाम्पल ये है और मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे जो भी नट बोल्ट था अब वो सिलेंडर से आ गया ठीक है तो मैं इसको इसको कर देता तो हूँ आप देख सकते हो शायद से अंदर का मॉडल भी यहाँ पर हरायकी में भी जो है वो चेंज हो गया जो भी नट बोल्ट था अब वो सिलेंडर पर आ गया तो इस तरीके से भी आप कुछ सर्च करके एंड देन आप समझ लीजिए ग्रुप को तो यहाँ पर आप ग्रुप है आप जी आर पी ठीक है तो अंडोस्कोप ग्रुप एक्चुअली ये अंडोस्कोप ग्रुप जी आर पी फिर आप इसको शायद से अंडरस्कोप कुछ भी लिख देते हो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से और इसको आप सिलेक्ट करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है सिलेक्ट ऑप्शन uh, आ गया है ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया है ठीक है आप देख सकते हो इसके सफिक्स में तो ये जो स्क्रिप्ट है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है ये है हाई एंड थ्री डी डॉट कॉम तो ये इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दूंगा आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बहुत सारे यहाँ पर होते हैं फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो फ्री फाइल्स स्क्रिप्ट्स और फिर आपको कौन से उसके लिए चाहिए फॉर एग्जांपल आपको एनिमेशन के लिए चाहिए यहाँ पर एक एक हज़ार दो सौ छब्बीस स्क्रिप्ट है यहाँ पर थर्ड पार्टी डायनामिक्स कुछ यहाँ पर फ्री है कुछ यहाँ पर पेड है तो आप आपके हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर सकते हो तो जनरली मैं यहाँ पर टेक्चरिंग या मॉडलिंग के लिए यूज करता हूँ आप यहाँ पर नहीं जस्ट माया बट मैक्स के लिए भी आप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर न्यू फोटोशॉप रेंडरमैन जो भी है यहाँ पर आप जीवरश के लिए भी प्लगइन्स हैं यहाँ पर तो यहाँ से भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री और कुछ कुछ पेड भी होते हैं तो ये जो क्विक रीनेम टूल का जो स्क्रिप्ट है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है और आप देख सकते हो यहाँ पर आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो फ्री है ठीक है और इसके अंदर आपको फ़ाइल दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इसको माया में इंस्टॉल करना है तो मैं जनरली माया 2020 यूज़ कर रहा हूँ तो ये परफेक्टली फ़ाइन चल रहा है वहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हो कम्पिलिटी जो है टू तक है लेकिन ये ट्वेंटी ट्वेंटी पर भी चलता है अगला जो स्क्रिप्ट है वो है मटीरियल मैनेजर फाइव ये जनरली मेरे पास अगर आप मेरे माया में देखोगे तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे आइकन मुझे दिखाया दिखा रहा है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मटेरियल मैनेजर है ये वर्ज़न 4.3 पॉइंट थ्री है या यहाँ पर जो है आ, आपको 5. पॉइंट आई गेस मिल रहा है जो कि हायर वर्जन पर है ठीक है तो यहाँ पर मैं लो वर्जन का मटेरियल मैनेजर यूज़ कर रहा हूँ जो कि सपोर्टेड है 2020 के लिए भी आ, काफ़ी सिंपल है यहाँ पर आ, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है कोई भी मॉडल और जस्ट आप यहाँ पर प्रीसेट दे सकते हो ठीक है इसका डिस्क्रिप्शन इसका मैं पूरा वीडियो तो नहीं बना सकता इसके लिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो और फिर यू नो असाइन आई आप कर सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आई जो है इसको मिल जाता है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही ग्रुप है ठीक है और आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ लैम्बर्ट और स्टैंडर्ड सरफेस है जो कि लैम्बर्ट जो कि डिफॉल्ट होता है और स्टैंडर्ड सर्फेस जो कि और का होता है ठीक है तो यहां पर मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये सब कुछ सिलेक्ट कर लिया और फिर मैंने प्रीसेट पर गया और फिर मैं यहाँ पर कोई भी एक आ, इसको रेड कलर दे दिया तो ये एक रेड कलर की आई आप इसको आईडी के तरह भी इसको, इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हो इसको सिलेक्ट करके और फिर इसको रॉक फॉर एग्जांपल ये एक कलर रिप्रेजेंटेशन के लिए कि आपको कैसा आपको जो है मटेरियल देना है और आपके करंट सीन पर भी देख सकते हो कि कौन से कौन से मटीरियल्स आपके यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ भी मटीरियल्स चाहिए नहीं तो यहाँ पर आप क्लीन अप करके यहाँ पर आप सीन करोगे तो यहाँ पर सब कुछ जो है हट जाएगा और सिर्फ लैम्बर्ड और स्टैंडर्ड जो है जो कि डिफॉल्ट होता है सिर्फ वही रहेगा यहाँ पर आप रीनेम कर सकते हो और डायरेक्ट टेक्सचर्स भी लोड कर सकते हो फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इसको सिलेक्ट मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं प्रीसेट में आके समझो मैंने इसको रेड कलर दे दिया ठीक है तो इस रेड कलर को तो मैं इस पर आता हूँ रेड कलर पर और इसको बस यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट जो है मुझे टेक्चर मैप के लिए पूछता है आप देख सकते हो मेरे सेकेंड स्क्रीन पर चले गया तो जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सेट रहेगा वहाँ से वो टेक्सचर सोर्स इमेजेस आप देख सकते हो वहाँ से वो सिलेक्ट कर लेगा ठीक है उसके साथ साथ आप नॉर्मल भी सिलेक्ट कर सकते हो फिर से यहाँ पर चले गया तो जैसे आप नॉर्मल uh, भी सिलेक्ट कर सकते हो फिर उसके बाद एम ऑक्लूजन और बहुत सारे लाइट मैप्स वगैरह है जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और फिर यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए उसको ठीक है अगर आपको uh, सब कुछ नहीं चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये सॉलिड आपके सीन में कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ आपको लैम्बड और स्टैंडर्ड रखना है तो क्लीन अप में आपके पर सीन आप करोगे तो ये सब कुछ जो मटीरियल है वो चले जाएगा और सिर्फ ये दो मटीरियल आपके पास रह जाएंगे तो इस स्क्रिप्ट को आप कैसे बेहतर यूज़ कर सकते हो इसका इसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में भी दिखाया गया है आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो आ, जो कि काफ़ी इजी है और ये 2019 के लिए कंपेटेबल है लेकिन मुझे लगता है कि ये 2020 तक भी ये काम करेगा सो so, ये थी गाइज मेरी दो स्क्रिप्ट्स जो कि मैं हर रोज़ यूज़ करता हूँ जब भी मैं वर्क करता हूँ लेकिन आप वहाँ पर मत रुकिए आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो फ्री फाइल्स फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री फाइल्स पर आके माया में आके मुझे भी अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि यू you नो know, Uh, कुछ स्क्रिप्ट देखो कि जो कि मुझे यूजफुल हो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ कि uh, एक कर्व मैं लेता हूँ यहाँ पर मैं जस्ट एक डिस्क्रिप्शन के लिए बता रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने कुछ कर्व ले लिया आप देख सकते हो तो इसको मुझे एक पाइप जैसे बनाना है तो इसके लिए मुझे एक सर्कल लेना पड़ेगा एंड देन उसको वो एक्सट्रूड होता है जो कि मुझे लगता है थोड़ा टीडियस काम है मैक्स में कैसा होता है अगर आप ऐसे कुछ कर्व करते हो और यहीं पर ऑप्शन आता है कि आप इसको थिकनेस दे सकते हो यू you नो know, कितना थिकनेस दे सकते हो और कितना आप इसको पॉलीगॉन ऐड कर सकते हो कितना इसका रेजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हो तो ऐसा कुछ माया पर नहीं है तो मैं इसलिए स्क्रिप्ट पर ज़्यादा भरोसा रखता हूँ फॉर एग्जांपल कैसे कुछ स्पाइरल कुछ मिलता है अगर यहाँ पर तो काफ़ी मेरे लिए अच्छा रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडलिंग पर मैं देखता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर फ्री फाइल्स में माया में मॉडल्स uh, में नहीं मॉडल्स पर था मैं स्क्रिप्ट में ठीक तो है तो यहाँ पर चार हज़ार स्क्रिप्ट है जो कि आप देख सकते हो सबस्टेंस पेंटर टू और सी टी टेंजेंट्स पता नहीं आप अगर कोई रिग कर रहा है तो उसके लिए भी है एनिमेशन के लिए भी है तो ओवरऑल जितने भी सारे आर्टिस्ट है जो कि रिगर होते हैं एनिमेटर्स होते हैं मॉडलिंग टैक्सिंग जो भी है कंपोजिटिंग के लिए भी है इसके लिए तो यहाँ पर आपको सारे फ्री में भी मिलते हैं कुछ कुछ पेड है अगर आपको वो लेवल का जाना है तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो नीज आ यू तो ये चालीस डॉलर का स्क्रिप्ट है जो कि आप बाई कर सकते हो और यहाँ पर यू के लिए काफ़ी कुछ ऑप्शन दिया हो गया है तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ पेड़ है और कुछ यहाँ पर फ्री है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ये लेना है क्या नहीं सो गाइज़ कमेंट में बताइए कि वी ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या ये स्क्रिप्ट आपको काम आ रही है या नहीं या फिर आप मुझे कुछ स्क्रिप्ट सजेस्ट करो कि मैं ताकि मैं यूज़ कर सकूँ अगर आपको आइडिया है कि कुछ कोई अच्छा फ्री स्क्रिप्ट हो या कुछ पेड स्क्रिप्ट हो जो कि मॉडलिंग या टेक्स्टरिंग में या शेडिंग में काम आए मेरे सो so गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं टिल देन बाई गाइज